फोन आया था, बोल रहा था हमको लेट हो जाएगा। न जी आ गए हमारे, क्या हुआ? एक चीज दिखा, जीत गए। जीत गए? क्या जीत गए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही किया, अच्छे किया। टीम के लिए खेलना है ना अपने ने, तो अपने नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, कान्हा जी हो गए रेडी अपना टूर्नामेंट खेलने के लिए, जो कि आपको पता ही है। बट इसकी ड्रेस है ना, इसको मिली नहीं है, वो स्कूल में मिलेगी, तो अभी ये हाउस ड्रेस पहन के जा रहा है। और गाइस, इसको विश कर दो कि अच्छा खेले, है ना? ऑल द बेस्ट, अच्छे से खेलना। और खुशी भी वहाँ पर खड़ी है, वेट कर रही है उसका कि कब जा रहा है ये। तो चलिए गाइस, कान्हा जी को भेजते हैं। सो गाइज, मैं जा रही हूँ कान्हा को छोड़ने के लिए स्कूल तक। सो गाइज, घर पे आ गए कान्हा जी को छोड़ के स्कूल में। खुशी भी हो गई है रेडी, ये भी जाएगी स्कूल। ये रोटी खा ली, चल बाय 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 बाय। 5 hours later। सो गाइज, 12:30 बजे हैं और धूप छाँव हो रही है। खेलने के लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है। स्कूल से अभी तक कोई मैसेज आया नहीं कान्हा का कि बच्चे आ रहे हैं, उनको लेके जाओ। तो अभी तक तो कुछ आया नहीं है, शायद वो बच्चे खेल रहे हो, है ना? एक मैच जीत के अगला खेल रहे हो। मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं, क्योंकि ऐसा सोच रही हूँ तभी लेट हो रहा है, अदरवाइज़ वो आ जाते जल्दी। देखो क्या होता है, अगर स्कूल से ऊपर टाइम हो गया तो कॉल करूँगी, अगर उनका मैसेज आ गया ग्रुप में सर का तो अच्छी बात है, क्योंकि उसको लेने भी जाना है ना फिर। तो चलिए, मैं तब तक खाना बना देती हूँ, खुशी भी आने वाली होगी। खाना आ रहा? आजा ना, कान्हा नहीं आया अभी। नहीं आया कान्हा? ना, फोन आया था उसका, मैसेज आया था, फोन आया था, बोल रहा था हमको लेट हो जाएगा। हाँ। और हम जीत गए मैच एक पता नहीं यार अब किसके साथ खेला, बट बोल रहा था मैच हम जीत गए हैं और हमको शाम हो जाएगी। सर, वो जो स्पोर्ट्स वाले सर है ना, उसके उनके ही नंबर से आया था। कौन से सर? कृष्णा सर से। हाँ। कृष्णा सर के फोन से आया था। हाँ। तो बोल रहा था मम्मी हम मैच जीत गए हैं। हाँ। और हमको शाम हो जाएगी, ऐसा बोल रहा था। कितने बजे? मैंने कहा जब यहाँ स्कूल पहुँचा तो एक बार मैसेज दे देना या कॉल कर देना, खुशी आएगी लेने के लिए। बोले ठीक है, आवाज साफ नहीं आ रही थी। बोले ठीक है बोल रहा था। किसने कॉल किया था? कान्हा के स्कूल वाले सर ने नहीं किया था? कान्हा के स्कूल वाले सर हैं जो, उनके फोन से कान्हा बात कर रहा था मुझे। पर आप तो बोल रहे कृष्णा सर ने मैसेज दिया। मैसेज नहीं, कृष्णा सर के फोन से फोन आया था। अरे कान्हा के स्कूल वाले सर कृष्णा सर थोड़ी ना है। तो कृष्णा सर तो एकेडमी वाले हैं। नहीं, ये तो ईशान सर हैं। कृष्णा सर भी तो है, केके सर कृष्णा है उनका नाम। वो के सर नहीं, जो कृष्ण सर यहाँ के हैं। हाँ। स्पोर्ट्स वाले। अच्छा। उनके फोन से आया था कि पहला मैच जीत, उसी ने फोन उठाया, वही बात कर रहा था मम्मी मेरे को लेट हो जाएगा, शाम हो जाएगी। हाँ। कॉल पे। हाँ। और क्या बोलते हैं, हम मैच जीत गए हैं। हाँ। मैंने पूछा ना क्या हुआ, किसने खेला, तुम देख रहे हो या खेल रहे हो? बोला हाँ हम एक मैच जीत गए, इतना कुछ बात नहीं हुआ। दो ये पूछा कि कान्हा ने खेला ही नहीं, 10-15 सेकंड बात हुई बस, खेला होगा तभी बोल रहा होगा। मैंने कहा कुछ खा लियो, पैसे दिए मैंने उसको, अब वो खाएगा नहीं खाएगा। हाथ उगार लगी हुई है आपको, कैसे पता लगा? मेरे को लग रहा था कुछ तो खा रहे हैं, क्योंकि वो अजीब सी आवाज आती चबाने की। दोस्त ने क्या होगा, ये एप्पल खा रहा होगा कुछ? क्या, हाँ एप्पल जो है वो खा रहा होगा। चलो देखते हैं बाद में, है ना? 2 बजे 4 बजे क्या मालूम, 4 बजे तक कॉल करूंगी, मुझे 2 बज रहे हैं, 4 बजे करूंगी कॉल। सो गाइस, हमने तो खाना वाना खा लिया है, 2:30 बज गए हैं। और क्या कहते हैं, कान्हा जी हमारे पता नहीं कब तक आते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं कान्हा का। चल गई इसको मैंने बोला ऊपर कपड़े लिया हैं, और बोल रही मम्मी मैं जल जाऊंगी, लेके आ जल्दी, ये दरवाजा बंद कर दिया, और ऊपर के दरवाजे बंद कर दिया, बंद बंद कर जाएगा। गाइस, शाम के ना 6:30 होने वाले हैं, कान्हा जी अभी तक नहीं आए, सुबह के गए हुए हैं। सर को कॉल लगाई थी, वो बोल रहे थे 6:15 बजे तक आ जाएंगे, अभी 6:30 होने वाले हैं, मुझे खुशी को भेजना पड़ेगा। तो कॉल तो उन्होंने की नहीं, मैं खुशी को भेजती हूँ साइकिल पे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, उधर उधर की तरफ जाइयो तू, उधर से ही जाना जिधर से जाते हैं स्कूल, ठीक है? और अगर तेरे को नहीं दिखे तो सीधे स्कूल पर चले जाना। हाँ।
कान्हा जी आ गए हमारे, क्या हुआ? एक चीज दिखाओ, सुबह से तू वहाँ गया, कुछ नहीं हुआ? मैंने कच्छा उतार तो यही दिखा रहे हो, कच्छा उतार दिया, ये देखो इतनी लंबी। अच्छा ये है क्या तेरे कपड़े? ओ बाप रे, कच्छा थोड़ा नीचे नीचे कर ले फिर, ये कच्छा नीचे ले, हाँ सॉरी, हाँ क्यों हुआ क्या इस वहाँ, ये तो बता। जीत गए, क्या जीत गए? कितने मैच जीते? हाँ बता 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 बता। अच्छा पानी पी लिया पहले, बता पानी पी लिया, खाना क्या खाया पहले ये बता, फिर बताए। और वहाँ कुछ खाना प्रोवाइड नहीं था? अरे तो लिया, 50 रुपए दिए थे मैंने, खा लिया था, खुद ही खाया कि फ्रेंड को खिलाया? कौन कौन थे? शेयर करा। चल ठीक है, अब बता सही से बैठ पहले तो। मैं सुबह से सब वेट कर रही हूँ। बंटा पियो, हाँ बंटा, बंटा एक मिनट, एक मिनट गाइस, मैं जब से इसने मुझे बताया ना कि मम्मी हम एक मैच जीत गए हैं, मैं तब से बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या हुआ, कैसे जीता है ना, तो मैं पूछती हूँ। हाँ बता भाई बता। देखो क्या था, हाँ कि आज ना सारी टीम का बस एक एक मैच था, अच्छा क्वालिफाई होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है, तो सबका एक एक मैच हो गया। हाँ तो उसमें ऐसा था कि अगर तुमने फर्स्ट हाफ में, मतलब दोनों हाफ में 3-0 स्कोर कर दिया, मतलब तुम्हारे तीन गोल और उनके 0 गोल है, अच्छा हाँ, तो हम मैच जीत जाएंगे। अगर स्टार्टिंग के 1 मिनट में भी हमने 3 गोल कर दिए, अच्छा तो 1 मिनट में 3 गोल होते हैं? अरे मतलब मान लो कर दी, मान लो कर कर लिया, हाँ तो हम जीत जाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो मैच चलेगा लंबा 40 मिनट का, अच्छा 20 मिनट का, तो 20 मिनट का एक हाफ था, फिर 5 मिनट का रेस्ट था, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट का सेकंड हाफ था, अच्छा ऐसा हुआ। हाँ तो फिर आज हम जीत गए, 100 मिनट में हरा दिया हमने। फर्स्ट मैच किसके साथ था? डीपीएस। डीपीएस कहाँ की है? डीपीएस नहीं, पता नहीं कौन सी टीम थी। अच्छा वो हार गई मतलब? हाँ मतलब पहला मैच तुम जीते, फिर सेकंड नहीं हुआ, कल होगा सेकंड, तुम्हारा कल होगा, कल तो बोल रहे थे 5 बजे मैच है तुम्हारा, तो वो दूसरा का था। अच्छा अंडर 17 में गई थी हैं? हाँ। अच्छा तुम जीत गए एक मैच, क्वालिफाई हो गए हो। हाँ। अभी कल है। हाँ। कितने बजे से जाना है, यही तो रूटीन जो आज का। फिर और एंजल वाले जीत गए? अच्छा वो भी जीत गए, तुम भी जीत गए। तूने गोल करा, तो किसने गोल करा? एक भैया ने और एक और। अच्छा मतलब तुम्हारी, मतलब थी ना? मैं स्ट्राइकर के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा ये दोस्त भी खेल रहे थे, तो डिफेंडर होगा, स्ट्राइकर के साथ खेल रहा है, डिफेंडर मतलब उसको बॉल शूट करता है उसके साथ था। अच्छा मतलब भाग भाग के बॉल देनी होती है पास। अरे स्ट्राइकर का सपोर्टर था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मेरे को इतना समझेगा नहीं, तो मैंने बताया एक गोल था पर मैंने पास दे के खेले, तो मैंने पास कर। चल ठीक है, अपनी टीम जीतनी चाहिए ना, अपनी टीम के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना अभी। अरे बता मैं गोल कर सकता था, मैंने सबसे कटा ली थी बस वहाँ पे ना। हाँ। दो डिफेंडर और एक गोल कीपर था, मैं आराम से करता था, पर मैंने पास किसी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही किया, अच्छे किया, टीम के लिए खेलना है ना अपने ने, तो अपनी टीम को आगे ले जाना है ना अभी। तो मतलब आज तुमने एक मैच जीत लिया, कल क्वार्टर फाइनल है, कल क्वार्टर फाइनल है। अंडर 19 भी गई थी वो भी हार, बस अंडर 14 जीती। तुम्हारे स्कूल से खाली अंडर 14 जीती है, 17 और 19 नहीं जीत पाए? चलो कोई बात नहीं, बस एक कल अब अंडर 14। और एंजल में से एंजल का बस 14 का था उनका, इसलिए वो जल्दी आ गई, 17 और 19 का कल है। अच्छा अच्छा, तो कल तुम्हारा क्वार्टर फाइनल है। हाँ कल कल टाइम हो जाएगा, मतलब अरे कल ज्यादा मैच होते हैं, कितने टाइम है? 7 ही बजेंगे, फिर इससे कम ज्यादा के 9 थोड़ी बज जाएंगे, 8 है इतना ही होगा, 7 ही बजे तक होगा। अच्छा दे यश का कॉल भी आ रहा है बार बार, हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीत गई। अभी ना वहीं पे। अच्छा स्कूल में? अच्छा कौन से स्कूल में? हिंदू विद्यापीठ। हाँ वहाँ है ना वो देखने के लिए, उसके पास है ना तो वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। अरे स्कूल तो बहुत बड़ा था, घूमे तुम पूरे स्कूल? अरे रोड बन रही थी स्कूल के अंदर, नोटबुक लेके तो आया नहीं होगा। अच्छा। रोड बन रही थी स्कूल के अंदर। सर कुछ बोले? कृष्ण सर कुछ नहीं बोले? क्या बोले? के सर कुछ बोले? मतलब मत निकाल, छिलके क्यों दर्द कर रहा है? बोले तो अच्छा खेला। अच्छा अच्छा खेला बोला ना? हाँ। क्या बोला बताना, तो अच्छे से बता रहा, बता सर कह रहे थे अच्छा खेला।
कौन बोल रहे थे? अच्छा, अच्छा जो कार्ड वार्ड दिखाते हैं ना, तो जो कॉर्नर्स पे रहते हैं, बॉल आउट गई है नहीं। अच्छा 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 अच्छा, के सर थे तुम्हारे रेफरी, और कृष्णा सर कुछ बोले? वो कोच थे दूसरी, ना ना वो तो वाला अच्छा खेला, अच्छा खेला। अच्छा चलो, और कुछ स्पेशल? मैं फोन, मैं फिर भगवान का पाएगा, इतनी मेरी फोन कर लिया आपने? दो बार किया मैंने, बस दो बार नहीं, एक बार तो तेरा ही आया, ठीक है, एक बार मैंने 5:45 किया ना। हाँ, 5:45 किया, 6 बजे किया, 5:45 उन्होंने बोला 6:30 तक आएंगे। एक किया मैंने, एक तो इनका इसी का आया था कि मम्मी हम एक मैच जीत गए हैं और अभी टाइम लग जाएगा, शाम हो जाएगी, फिर मैंने कहा पता नहीं कितना टाइम होता है, फिर मैंने 5:45 फोन किया तो सर ने बोला कि 6:30 बज जाएंगे, फिर मैंने खुशी को भेज दिया था तो सर का ही फोन आ गया था कि हम लोग आ गए हैं, आप आ जाओ लेने के लिए। हाँ, तो मैंने कहा उसकी बहन आई हुई है तो फिर खुशी ले आई काना को, और काना अब कल खेलेगा क्वार्टर फाइनल। चलो, वही मेरे को सर बोल रहे थे वही आ जाओ हिंदू विद्यापीठ में, मैंने कहा सर हमारे भी कल नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं स्कूल से ही ले लेंगे। जीप में गए थे ये? जीप में गए थे? जीप थी, और खाना भी नहीं लेके गया, मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा टिफिन ले जा, बोल रहा है नहीं मम्मी वहाँ भागना पड़ता है ना तो टिफिन कैसे खाऊंगा मैं, फिर भागा नहीं जाएगा रोटी खा के, इसलिए वो फ्रूट्स ले गया था, एप्पल ले गया था और मैंने कुछ पैसे दिए थे तो वहाँ कुछ खा लिया होगा उसने, तो बीच में बोल रहा था मम्मी जब मैं खेल रहा था ना तो बीच में थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई थी तो सर ने फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई और चेयर अप करा, तो फिर मैं दोबारा गया और फाइनली उन्होंने आज का मैच जीत लिया है, कल वो खेलेंगे क्वार्टर फाइनल। तो गाइस प्लीज अपनी शुभकामनाएं मेरे कान्हा के लिए जरूर दीजिएगा और उसकी टीम को भी शुभकामनाएं दीजिएगा जिससे वो क्वार्टर फाइनल भी जीते और आगे के जो मैचेस है वो खेले। सो गाइस वो बोल रहा था कि जो ये स्कूल है ना, इस स्कूल में 30 टीमें आई थी फुटबॉल की, 30 टीमें, और 30 टीमों में से कुल 6 टीमें बची है, बोल रहा था कि 7 बची है कुछ ऐसे बोल रहा था, तो अब कल के मैच पे डिपेंड है क्या होता है, कल का मैच भी जीतेगी तो आगे चली जाएगी, पक्का जीतेगी दिल बोल रहा है। सो गाइस मैंने तो बहुत वेट किया जब उसने पहली बार बोला ना कि मम्मी हम फोन पे कि मम्मी हम लोग मैच जीत गए हैं और हमें शाम हो जाएगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो कुछ तो किया। सो गाइज आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी, तो जल्द से लाइक बटन दबा दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। सो गाइज मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।